नमस्कार, एमपी लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शहीद सीआरपीएफ जवान मनोज चौरे को श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे शहीद जवानों के परिवारों को हर संभव जरूरी सहायता देगी। गौरतलब है कि बिहार में नक्सली हमले में शहीद हुए बैतूल जिले के परमंडल ग्राम के निवासी सीआरपीएफ के जवान स्वर्गीय मनोज चौरे का बुधवार को उनके गृह ग्राम में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टुकड़ी ने इस वीर सपूत को सलामी दी। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 7 जिले में मोबाइल पॉली क्लिनिक खोली गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार में शासकीय नौकरी में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान किया गया है। मंत्री सिंह आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में हुई केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने आज मंत्रालय में आम नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश जारी किए। भेंट के दौरान मंत्रालय के 54 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने नियमितीकरण के बाद वेतनमान में कमी आने संबंधी प्रकरण प्रस्तुत किया। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित इस प्रकरण में 28 जुलाई को वस्तु स्थिति रखने के निर्देश प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन को दिए गए हैं। शासन द्वारा निर्धन परिवारों को निःशुल्क प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1600 रुपए का अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे गैस कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा। गैस चूल्हा और स्वयं सिलेंडर की राशि हितग्राही को देनी होगी। परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर देना अनिवार्य है। जिन चिन्हित परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें 7 दिन के अंदर अपना बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एमएसटीवी की सारी खबरें हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।